राजधानी जयपुर में लॉकडाउन 4 के बाद कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों के बाहरी इलाकों में लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। इसके चलते यहां के मुख्य मार्गों पर वाहन चालकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू कर दिए गए हैं। यातायात पुलिस पूरी सतर्कता से मुस्तैद है। पेश है हमारे संवाददाता मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जारी गाइडलाइन के तहत लोगों को कुछ सहूलियतें दी गई हैं, जिसके बाद से जो है सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफ़ी संख्या में देखी जा सकती है। इस समय हम लोग टोक फाटक पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रैफिक पूरी तरह जो है पहले की तरह चलने लगा है। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स को भी जो है चालू कर दिया गया है, जिसका लोग पालन कर रहे हैं। हम यहाँ पर पुलिस कर्मियों से बात करके जानते हैं कि किस तरह से वो अपनी ड्यूटी को पूरी सतर्कता से निभा रहे हैं और जो है जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक नियम जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बेवजह ऐसा कोई निकल नहीं रहा, पास वगैरह जो है उनके पास में, और सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक इनको छूट दे रखी है, उसमें ये आ रहे हैं। 7 बजे के बाद में अगर कोई आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से आप जो है यहाँ जान सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है ट्रैफिक रूल्स को लेकर के। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, दूरदर्शन समाचार।